बीती रात मथुरा के थाना गोविंद नगर की राधेश्याम कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक तेज धमाके के साथ दो मंजिला मकान भरभराकर तराशाई हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हम आपको बता दें कि इस मकान में करीबन 15 से 20 व्यक्ति रहते हैं जो पायल की झलाई का काम करते हैं और कुछ लोग ई रिक्शा चलाते हैं। जो भी परिवार इसमें रहते हैं वो बेहद गरीब हैं, उनका सहारा और कुछ भी नहीं था इस मकान के सिवा। आप ये जो मलबा देख रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्फोट कितना भयानक होगा। नुकसान का अनुमान लगाया जाए तो इसकी कोई सीमा नहीं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि मलबे में एक ई रिक्शा, एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल और घर का सारा सामान दबा हुआ है। धमाका इतना भयंकर था कि सामने वाले घर के भी पड़ोसियों पर आग की लपटें आईं। मृतकों के रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं आ पाया। कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन आया और अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन या मदद पीड़ित परिवार को नहीं की गई है। नबी मोहम्मद के इस मकान में कुल चार परिवार रहते थे जो अपना गुजारा ई रिक्शा चलाकर एवं मेहनत मजदूरी कर करते हैं। कल इन चार परिवारों के ऊपर काल का साया आ गया। स्वयं यमराज इनके घर में आए और चारों तरफ तबाही तबाही कर दी। इन चार परिवारों में 20 लोग उस समय घर में मौजूद थे जिस समय घटना घटित हुई। अंजुम नाम की महिला अपनी रसोई में खाना बना रही थी जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई जिसकी वजह से एक भयंकर विस्फोट हुआ और एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई जिसका नाम फैजान था। 7 वर्ष की मासूम को क्या पता था कि उसकी मौत आने वाली है। और उसी घर में रहने वाले तकरीबन 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको जिला अस्पताल पहुँचाया गया। जिला अस्पताल से सूचना मिली कि अंजुम जो कि 40 वर्ष की महिला है जो खाना बना रही थी उसकी भी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद में फिर सूचना आई कि उनका लड़का हारून जो कि 14 वर्ष का था उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। पहले तो हारून को जिला अस्पताल से नियति रेफर कर दिया गया था लेकिन गरीबी के चलते परिवारजन उसका इलाज न करा सके और उसकी मौत हो गई। तकरीबन 12 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। मकान के नुकसान का अनुमान लगाया जाए तो इसकी कोई सीमा नहीं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं मलबे में एक ई रिक्शा, एक मोटरसाइकिल और एक साइकिल और घर का सारा सामान दबा हुआ है। धमाका इतना भयंकर था कि सामने वाले घर के पड़ोसियों पर आग की लपटें आईं। मृतकों के रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं आ पाया। कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन आया और अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई भी आश्वासन या मदद पीड़ित परिवार को नहीं की गई है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुलेमान जी। सुलेमान जी क्या हादसा हुआ है यहाँ पर? ये खाना बना रही थी अंजुम तो उनका सिलेंडर फट गया, लीकेज था सिलेंडर फट गया। अच्छा कौन सी मंजिल पे पटा था? पहली पे? ये नीचे वाली पे। नीचे वाली पटा था तो उसमें कितने लोग मरे हैं? 3 लोग मरे, 4 घायल हैं। 4 घायल है। इलाज कहाँ चल रहा है? घायल जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में नियति में सुना है कि नियति में एक लड़के को ले गए थे जो खत्म हो गया लड़का। अच्छा। उसमें उसको ले गए थे वो तुरंत खत्म हो गया। 7,000 रुपए मांगने लगे वहाँ पे मां से फिर आगरे के लिए लिख दिया लड़का खत्म हो गया उसको लिया फिर। अच्छा यहाँ पर प्रशासन की कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली प्रशासन की। तो इसके लिए डीएम वगैरह के लिए आपने लोग? खाली लोग आए और आके देख के चले गए, कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं मिली। तो यहाँ पर जो पड़ोसियों ने इनके ने क्या कुछ मदद की इनके लिए? हाँ जी पड़ोसियों ने यही मदद की, उनको ले हॉस्पिटल लेके गए थे उनको जो भी देख रेख कर रहे हैं पड़ोसियों ने यही मदद की। कितने बजे की बाढ़ जाते हैं ये? SMS 7 बजे के बाद, 7:15 बजे की, रोज अफ्तार के बाद की बात है। क्या नाम है भैया आपका? असल मोहम्मद। असल जी ये कौन सी जगह है? राधेश्याम कॉलोनी पुरानी मस्जिद। पुरानी मस्जिद। तो यहाँ पे जो मकान में सिलेंडर फटाई आपके कौन लगते हैं? ये हमारे मौसा जी लगते हैं। मौसा जी तो कितने परिवार यहाँ पे रहते थे? 4। 4 परिवार रहते थे और इनमें कितने लोग थे 4 परिवार में? 4 परिवार में 20 लोग थे। उसमें 20 लोगों में से 3 तो लोग खत्म हो चुके हैं, 4 आदमी घायल हो चुके हैं। अच्छा 3 जो लोग खत्म हुए हैं कौन कौन खत्म हुए हैं वो? एक अंजुम। अंजुम की उम्र कितनी है? कम से कम 40 साल की। 40 साल की महिला। हाँ वो कौन थी? किराएदार थी? किराएदार थी। और कौन खत्म हुआ है? एक उनका लड़का। और एक उनका लड़का खत्म हुआ है हारून। एक उसका लड़का खत्म। उसकी कितनी उम्र है? उसकी कम से कम 14 साल की। 14 साल की। और बच्ची मौके पर जो खत्म हुई थी उसका नाम फैजान था। उसका नाम फैजान। उसकी कितनी उम्र थी? उसकी 5 साल की उम्र थी। अच्छा यहाँ पे कितना मतलब नुकसान बताया जा रहा है लगभग ये कितना नुकसान हो गया? नुकसान है सर वो आपके सामने, अब जो तुम्हारे सामने जो भी है। और इनके पैसे वगैरह भी जले थे? कुछ नगदी पैसे कुछ जला? ये तो उनको मालूम होगी, मुझे से हमको नहीं मालूम। तो पुलिस प्रशासन की इसमें क्या मदद रही? कोई मदद नहीं रही पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कोई मदद नहीं है समय पे आते हैं और देख के चले जाते हैं।
आज सुबह हमने सुना कि यहाँ पे दो स्क्वाड वाले आए थे जांच करने, उनका क्या रोल रहा कि यहाँ पे आए थे सर, लेकिन जो भी है कुछ हुआ क्या नहीं हुआ हमें तो ये मालूम नहीं अब। अच्छा, जो भी आए थे देख के गए, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो हमको नहीं मालूम अब। भर्ती किया था वहाँ से निकाल दिया। कौन से में? नेती में। अच्छा, तो आपके यहाँ पड़ोसी है? पड़ोसी है सब। पड़ोसी है। तो कितने लोग घायल है यहाँ के? चार घायल, चार अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिला अस्पताल में।